अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों को चीज़ पता नहीं होगी कि सऊदी का वीज़ा इशू होने में देरी हो रही है, तो इसी के हवाले से आपको आज अपडेट देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली चीज़, अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ चेक करने करवाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है। तो आप चाहते हैं कि आपकी भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो, कोई मदद चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे, लेकिन सवाल रियल होना चाहिए, सही होनी चाहिए। जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आते हैं अपडेट पर। जैसा कि आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैंने जहाँ तक पता किया है कि सऊदी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत सारे ऐसी वेबसाइटें हैं जो बहुत स्लो चल रही है या फिर काम नहीं कर रहा है, जिसी में से एक है जिस जहाँ से वीज़ा इशू होता है, वो वेबसाइट भी काम नहीं कर रही, बहुत स्लो काम कर रही है, जिसकी वजह से वीज़ा इशू होने में बहुत लेट हो रहा है। और किन लोगों का वीज़ा इशू होने में लेट हो रहा है भी मैं आपको बता दूँ, जो जो कंपनियों का वीज़ा है, मोसेसा का वीज़ा है, और भी बहुत सारे जो वीज़ा हैं उनका कोई इशू नहीं है, उनका वीज़ा इशू हो जा रहा, निकल जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के, यानी जो कपिल कंडर में जो काम आते हैं, जैसे हाउस ड्राइवर हो गया, आमिल मंजलिक हो गया, खेती बाड़ी का हो गया, मजरे का हो गया, गाय बकरी ऊँट वाली बीजे जो हो गए, इन सब बीजों का काम बहुत स्लो हो गया है, बहुत कम निकल रहे हैं बीजे। इसका वजह यही है, थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से वीज़ा इशू होने में लेट हो रही है। तो जो लोग भी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं कपिल कैलेंडर में, तो उन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब तक उनका वीज़ा नहीं आ जाए तब तक आप मेडिकल ना कराएं, नहीं तो हो सकता है वीज़ा इशू होने में देरी हो और आपका मेडिकल भी एक्सपायर हो जाए। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान ज़रूर देना चाहिए, जो लोग भी मेडिकल कराने जा रहे हैं उन लोगों को, और जो उनका मेडिकल हो गया उनको टेंशन लेने की बात नहीं भाई, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका वीज़ा निकल जाएगा, घबराने की बात नहीं। 2 महीने का टाइम रहता है, 2 महीने में इंशाल्लाह वीज़ा निकल जाना चाहिए सबका। लेकिन मैं उन लोगों को बोलता हूँ जो भी वीज़ा जो मेडिकल नहीं करवाए हैं, उनको इसलिए बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आगे चल के क्या बता सिस्टम कब सही हो, कब ना हो, आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाए। तो यही पहले आप कन्फर्म कर लें अपने एजेंट से, अपने ऑफिस वालों से कि हाँ भैया हमारा वीज़ा आया हुआ है कि नहीं। अगर वीज़ा आया हुआ है तभी हम मेडिकल कराने जाएँगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है। तभी ये सिस्टम कब सर्वर कब चालू होता है, कब सिस्टम चालू होता है, जैसे कोई अपडेट आएगा आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो सऊदी में काम नहीं कर रही, जैसे कि इकामा, जो इकामा इशू जो होता है, इकामा नंबर, जिससे पता चलता है कि हमारा इकामा बना है कि नहीं बना, ये वेबसाइट भी काम नहीं कर रही है। और बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे ऐसी भी वेबसाइटें हैं जो अक्सर बैन और चेक करने के काम में आती है, उसका भी पेपर निकलवाने का काम आता है, वो भी उसका भी सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो घबराने की बात नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका सोल्यूशन मिल जाएगा और बहुत जल्द आपके साथ में अच्छी खुशखबरी लेकर आने वाला हूँ। तो वीडियो का फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।